ये मेन है सागर। आ जाओ बेटा तीन ये मास्टर 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 में ये यज्ञ चलाता। अरे भैया सागर और शंकर ये बाल का स्टाइल कहाँ से ढूंढे हो? ये कहाँ से कटवाए हो? ऐसी कटवाई अमलेश्वर से। अमलेश्वर अच्छी कटिंग होती है। तो ये बाल कटिंग कराते कराते ये मोबाइल को काटना और पॉकेट काटना कैसे सीख लिए? जब दूसरे का देख के सीखे। दूसरे का देख के सीखे बहुत तेज आदमी है, सीख जाते। किससे सीखे? कौन तुम्हारा गुरु था इसमें? भाचा करके सर, भाचा करके था ना सर, उससे सीखे। कौन है भाचा? भाचा भांजा 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 भाचा 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 होगा नाम होगा उपनेम होगा भाचा। कहाँ का रहने वाला है भाचा? ये दुर्गा नगर का सर। दुर्गा नगर अमलेश्वर का ही है? यस सर। वो कितने मोबाइल चोरी किया होगा अभी तक? नहीं पता सर, वो अंदर हो गया था एक बार। एक बार तो अंदर हुआ था, निकलने के बाद यही काम करता होगा। छोड़ दिया वो? तुमको तुम पकड़ लिए वो छोड़ दिया है? जी सर। तो तुम क्यों पकड़ लिए भाई इस काम को? अभी तक कितना मोबाइल चोरी किया? सर 30 से 35 सर। बस 30 से 35। कब से शुरू किया चोरी का? सर इसको 6-7 महीने हो गए। 6 महीने में 35 मोबाइल चोरी कर लिए। पकड़ में नहीं आते तो सेंचुरी मार देते। हाँ जो पॉकेट के ऊपर रखेंगे सर, उसके कैसे करते थे बताओ जरा। चलो सर पकड़ रहेंगे बताओ। नहीं ज्यादा बात करने वालों का छीनते थे? पॉकेट वालों का छीनते? वालों का नहीं छीनते सर, पॉकेट वाले का छीनते थे। कैसे छीनते थे? मैं गाड़ी चलाता था सर, ये लड़का ना ऐसे पीछे, मैं पूछता था कि आगे जाने का रास्ता किधर है करके, आगे गांव जाना करके, तो मैं पूछता था तो उसका ध्यान मेरे तरफ हो जाता था सर। तो ना जो आगे में घर चलती गाड़ी में रखे रहते थे ना उसको, आगे गाड़ी में आगे रखते हैं क्या लोग फोन? सामने में आइट साइड में जेब में रखते हैं सामने वाला ऊपर जेब में। तो तुम निकाल लेते थे? तुमको निकाले क्या करते थे? इसको बेच देते थे। बेच देते थे? मोबाइल बंद नहीं करते थे तुरंत? करते थे सर बंद, वो तुरंत बंद कर देते थे और फिर बेच देते थे। कितने दिन में बिक जाता था मोबाइल? हफ्ता भर 5-6 दिन में ऐसे 5-6 दिन में बिक जाता था। मान लो 20,000 का मोबाइल है, कितने में बिकता था वो? 4.5-5 हज़ार में बिक जाता है। कहाँ बेचते थे सर? वो आशीष मोबाइल दुकान में बेचे थे सर। आशीष भाई इसका मोबाइल शॉप दो ग्रुप है, ए ग्रुप बी ग्रुप। एक है लुटेरा, दूसरा खरीदार। लुटेरा ग्रुप और खरीदार ग्रुप। जरा बेटा कौन सा दुकान खोले हो? मोबाइल का। हाँ मोबाइल का दुकान। कहाँ पे? तो यार तुम तो अच्छा मोबाइल का दुकान खरीदे थे, ये सब काम में क्यों लग गए? मजबूरी करके बेचे थे सर। मजबूरी करके? मजबूरी करके कोई एक बेचेगा दो बेचेगा और 30-30, 35-35 मोबाइल लाके एक ही प्रॉब्लम बताए ना सर। कभी बुरा बीमार हो तो एक मोबाइल गाड़ी बनाना है ऐसा करके। तो पूछे नहीं बेटा, इतना मोबाइल खरीदते कहाँ से हो? घर का है, भाभी का, ऐसा करके बेचे। भाभी घर कितने परिवार में सदस्य होंगे? 35 सदस्य का परिवार था उसका और सब मोबाइल ही बेचने निकलते हैं। बिल के लिए बोला सर तो मैं शाम को दे दूंगा ऐसा करके बोला। एक बार शाम को बोले, दूसरी बार नहीं लेना चाहिए था, दूसरी बार शाम को बोला, तीसरी बार हर दिन कभी शाम आई ही नहीं तुम्हारी दुकान में क्या? तीसरा बार आया तो उसके बाद वापस कर दिया मेरे को जी। मेरे को ऐसा लगा की इधर उधर का है करके। क्यों बताओ, तुम जब मोबाइल खरीदते थे 5,000 में तो बेचते कितने में थे? 100-200 रख के बेच देते। बस 100-200 में जी। कम मार्जिन में काम करता है इसे तो सभी इसी टाइम में तो जेल जाना पड़ रहा है। 7-8 बेचा होगा लेकिन बताएगा थोड़ी मार्जिन कम रहता है सर। कोई सेट फॉर्म है? ज्यादा से ज्यादा में कितने का मार्जिन रहता है? उसका ज्यादा रहता है ना सर, तो उसको 4,000-5,000 प्रॉफिट हो गया। ज्यादा प्रॉफिट 1,500-2,000 रख के बेचते। 1,500-2,000 रख के बेचते। हंसी आ रही है बेटा तुमको? हंसी नहीं सर। हाँ कभी पहले जेल गए हो पहले? कभी कभी नहीं आता। अरे देखो मोबाइल की दुकान है, मोबाइल के बीच में रहते थे, अगले कुछ महीने तुम्हें मोबाइल के लिए तरफोगे। जेल में मोबाइल नहीं मिलता पता है तुम्हें? आप क्या करते जनाब? मैं काम करता हूँ टाइल्स मोबाइल। टाइल्स का? हाँ। तो टाइल्स से मोबाइल में कैसे आ गए? मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं एक ही मोबाइल लिया था। ओहो कहाँ से लिए थे? दिए थे। कितने में दिए थे? 7,000 में। महंगा मोबाइल लिए थे क्या? दाम कितना होगा उस मोबाइल का? 15,000 का 7,000 में ले लिए। तीन मोबाइल लिए थे? तीन लिए थे? नहीं सर। ये तीन लिए? नहीं सर।
कोई बात, दो लिए, अब एक से दो में आ गए। नहीं, दो की जरूरत क्यों पड़ गई यार, एक से काम बात हो जाती है। दोनों कान में लगा के बात करने का भी रियाज है क्या तुम्हारे यहाँ? सस्ता मिल गया तो ले लिए, चलो सस्ते के चक्कर में, दो के चक्कर में अब जेल में बिना मोबाइल के रहना पड़ेगा। और कौन दोस्त तीसरा कहाँ है? हर्ष। हर्ष आप क्या किए भाई, आप कितना मोबाइल लिए? एक ही बार बस गया था सर, सागर से साथ में गए। एक बार लूटा था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने किया था सर, मैं गाड़ी चला रहा था। चला रहे थे गाड़ी? गाड़ी वाला चलाने वाले तो डिस्ट्रैक्ट करता है, पूछता है। वो सब मेरे को नहीं आता सर। नहीं आता, झांसा में डाल दे। झांसा में डाले, चलो झांसे में तो चलो ठीक है। पूछिए कितना पैसा दिया था सागर उसको? पर झांसे में गए तो कितना मिला? दिया सर ये तो घुमा दिया मेरे को। घुमा दिए, चलो जेल भी घुमा देगा आपको। आ जाओ तुम तीनों भाई, मेन तुम तीनों हो यार, तो लंबे चौड़े हो यार इसी काम में। तीनों का देखो हेयर अलग अलग स्टाइल है, इसका स्टाइल देखो ऐसे ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे। नहीं एक ही होगा? एक ही जगह बनाया, अलग अलग जगह है। तुम कहाँ बनवाए? रायपुरियन हो तुम रायपुर? ये दो रायपुरियन है, हम रेफर बॉर्डर पड़ता है। कौन से गाँव के हो आप? दुर्गा नगर को तो लूट लिया तुम लोगों ने। तुम लोग पुलिस का छवि खराब करते हो, ऐसे लोगों की मोबाइल लूटते हो तुम लोग। उस आदमी पे क्या बीतती है कभी सोचे हो तुम लोग? 6 महीने 35 मोबाइल लूट डाले, मतलब महीने का 6, मतलब हर हफ्ते 2 बार निकलते थे लूटने। डेली निकलते हो गए? डेली निकलते, सक्सेस रहे। कभी राजीव निकल जाते सर घूमने, कभी गरियाबंद तरफ, इसी बहाने पर छत्तीसगढ़ भ्रमण हो गया इनका तो। 30-40 किलोमीटर के सराउंडिंग कहीं भी घूम के एक उठा के ले आते हैं। वो बांटते कैसे सर पैसा? चोरी का जो मोबाइल बेचते थे। हाँ, जो आया पैसा आया 5,000-6,000 रुपए बांटते आता था ना सर, 2,000-1,000 रुपए रख के। हाँ, 2,000-1,000 रुपए रख लेते थे सर। 5,000 में 1,000 इनको 3,000 खुद रख लेता था। क्योंकि बाइक भी सही तो पकड़ा कैसे गए तुम लोग? वो एक फोन लोकेशन तो हुआ बंद नहीं किए तुम लोग? हम लोग नहीं चलाए थे सर, रानी तराई में घटना किए थे लोग। हाँ, उसमें फुटेज आया था। आप बताओ, सही बताओ कैसे हुआ बताओ। इनका जब फुटेज आया था रानी तराई से, फोन आया कि ऐसी ऐसी बात है करके आया, तो जो दिखाया कि ऐसी घटना हुई थी, इसका हुलिया भी आया, हुलिया आया और एक गाड़ी आई थी। गाड़ी ये नया खरीदा था लोन में, उसी गाड़ी का उपयोग। कौन सी गाड़ी खरीदा था? सिटी 120। सर मैं 10,000 डाउन पेमेंट करके लिया है। कितने की बाइक? 1,10,000। 1,10,000 की बाइक? बताओ कहाँ तुम लोग बोल रहे हो कि हमें समय खराब था इसलिए हमें करना पड़ा, जिसके यहाँ मजबूरी मजबूरी कौन बोल रहा था? वो ये काला वाला काला, ये मजबूरी था अपने मजबूर बेटा। मजबूर लोग 1,10,000 की बाइक पे घूमेंगे तो भाई कौन लोग फिर? कोई सस्ती बाइक नहीं आती क्या सर? सबसे सस्ती वही थी, सबसे सस्ता वही था। ये देखो ये कौन है? ये आगे वाला कौन है? मैंने ये दोनों हैं। मुझे लगा कि तुम तो बाल से ही पकड़ा जाओगे। ये पूरा गैंग चलाता है सर, ये गैंग चलाता है। और कितने सदस्य हैं भाई? नहीं सर, इतने ही थे सर। और गैंग का नाम क्या रखा आप लोगों ने? कुछ गैंग का नाम था क्या? तो तुम लोग यही हमेशा बाइक से निकलते थे और चोरी करते थे? तो ये नई बाइक जो खरीदे हो लोन वाली, इसी से चोरी करते थे? और भी बाइक का इस्तेमाल करते थे? नहीं, इसका बाइक था सर, इसका बाइक पे निकल मेरी गाड़ी पे करते थे सर। तुम्हारी गाड़ी पे ही करते थे? जी सर, मैं नहीं जाता था ना कभी, तो इन लोगों को डर में मैं नहीं जाता था सर। कभी कभी मतलब मन भी चकता था ना, चकता था क्यों भाई? पकड़ा जाऊंगा करके। तुम क्या सोच रहे थे सर, तो हजारों मोबाइल चुराते रहोगे, पुलिस क्या मच्छर मारती रहेगी? बकरी कब तक करना है? एक मिनट नहीं रुके, दो महंगी बाइक खरीद लिए तुम लोग 10,000 डाउन पेमेंट देके। अब वो एक तो इंस्टॉलमेंट देने के लिए, फिर जब इंस्टॉलमेंट का दिन आता होगा 2-3 मोबाइल टपा लेते होंगे मजबूरी में। मतलब मजबूरी इंस्टॉलमेंट वाला भी घूम रहे सर गाड़ी के लिए। एक आदमी एक ही साथ 3 मोबाइल लिया मेरा घर।
छक्का चौका मारने वाले लोग टिक्का ही मार लिए कहाँ है भाई ये गाड़ी चला रहे थे सर फिर उसके बाद उससे पूछे सर रास्ता कहाँ जा रहे पर उसके बाद रास्ता पूछे उसके बताते तक मैं ध्यान भाई था तो उसके बाद उठा लिए सीधा गाड़ी खड़ा बताओ यार लोग मदद करना भी छोड़ देंगे तुम्हारे लोगों के चक्कर में कोई रास्ता भी नहीं दिखाएगा कोई भटक जाएगा तो बाइक वालों को तो कोई रास्ता नहीं बताएगा जैसे तुम लोग काम करते हो एक तो बेचारा भलमन साथ में तुम लोग को रास्ता दिखा रहा है और तुम लोग तीन से तीन उड़ा दिए सर पता नहीं था वो तीन था करके एक ही था इधर तो छोड़ देते अरे तीन कितना मोटा होगा यार तुम सोचो एक दो तीन और एक पता नहीं चलेगा कवर लगा हुआ था कवर लगा हुआ इतना मोटा होगा वो कितनी कहानियां सुनाते हो यार तुम लोग कैसे जेल गए थे ये कब की बात है मोबाइल फेवरेट है 5 महीने पहले उस टाइम चोरी करते थे उस टाइम बेचने का काम करते थे वो मोबाइल जो भिजवाए वो चोरी कहाँ से हुआ था वो चोरी कौन किया था उस मोबाइल को चोरी वही भांचा किया था भांचा तो अभी तक चोरी कर रहे हो 6 महीने पहले चोरी किया भांचा है नहीं सर ना एक साल हो गया अरे पता करो भांचा का भी मेंटर है इन लोगों का जब ये ऐसा है तो इसका भांचा कैसा होगा जिसको सीखा है ये सर उसका नाम है भांचा तो समझ गया भांचा भाई गुरु है ना तुम्हारा जब शिष्य 35 मोबाइल चोरी कर लिया 6 महीने में तो गुरु तो सेंचुरियन होगा इनका क्या भाई गुरु क्या काम करता है और भांचा अपने पापा के साथ जाता है सर नहीं करता छोड़ दिया सर कहाँ जाता है बैंक में कुछ है ना उसके पापा अरे बैंक को बताना कौन सा बैंक जाता है भाई कौन सा नहीं पता खराब तो पता करना है आज पढ़िए बैंक में कभी पूरा घर की चोरी सामान ही कर देते हैं वो भी 2 दिन में किए सर एक दिन पहले दिन गए कौन से गांव में किए वही अमलेश्वर में चोरी और नहीं लगता बताओ यार ये मोबाइल चोरी है तुम लोग ये गैस चूल्हा और इसके चोरी में कैसे घुस गए टाइगर वो नाबालिग था हाँ नाम ही है टाइगर उसके कारण मतलब उसी कॉलोनी में रहता है कॉलोनी में रहता है तो रेकी की ओर क्या बताया तुम लोगों को घर खाली है घर खाली हुआ तुम घर सफाई कर दोगे तुम घर की हाँ भाई सर मैं इन लोगों को बार बार मना किया था सर क्या समझा रहे थे तुम कि मत करो मत करो मत करो मत करो तो है देवता फरमान आदमी नहीं सर गांव सामान किसके यहां था पूरा डिस्ट्रैक्शन मतलब अरे देवता था सब चोरी मत करो और मोबाइल चोरी करो घर में नहीं जाना नहीं इसने कहा अरे चोरी चोरी मत करो अरे चोरी सफल हो जाए सामान मुझे दे मेरे घर इसी के घर रखे थे पूरा सामान क्या क्या चोरी किए थे भाई एक दिन किए फिर दोबारा उसी घर में घुसे 3 दिन बाद फिर गए थे उसी घर में लोग बता रहा हूँ इन तीनों को ही घुसे थे पहले दिन मैंने किया था इनको बहुत मैंने किया बहुत चमकाया तुमने चमकाया नहीं सर मत घुसो गांव घर में हर करके मत गांव घर में नहीं करना है क्यों भाई गांव घर में क्यों नहीं करना तुम बदनामी टेंशन मत लो अभी तो कम से कम लाखों लोग देखेंगे तुम्हें अमलेश्वर का तो सब लोग पहचान जाएंगे तुमको और जेल से निकलते हेयर स्टाइल ठीक करना तो ये हेयर स्टाइल में तुरंत पकड़े जाओगे तुम लोग हर आदमी पहचान देगा तुम लोगों को सर इसका दिलों का थोड़ा सा नाम एक बार करा दें कंफर्म इसका क्या नाम है जिमल का सागर निर्मल सागर आपका है आशीष देवांगन सर शंकर शेट्टी शंकर शेट्टी तो यार ये तो क्या साथ में गया था क्यों भाई इन तीनों की इतनी अच्छी हेयर स्टाइल तो गंजे क्यों हो गए बाल डाल दिया था पूरा कोई खत्म हो गया ना सर मैं तो स्टाइल अलग अलग स्टाइल के लोग हैं चारों अलग हैं बिल्कुल तुम लोग हेयर स्टाइलिस्ट का ही कोर्स करके उसी काम में शुरू हो जाओ कहाँ तुम लोग मोबाइल चोरी में लगे हुए हो सर का वीडियो नहीं देखे थे क्या यूट्यूब में एसपी सर का वीडियो नहीं देखा कहाँ देखे हो मोबाइल से देखा मोबाइल पे देखे हो किस पे यूट्यूब पे यस सर क्या देखे सर बहुत सारा वीडियो देखा चोरी कौन कौन सा देखे हो वो एक लड़का ना मर्डर कर दिया था ना सर पीछे से
मार्के वाला और चाकू वाला, हाँ हाँ, और क्या बोलते हैं जो चोरी करके वो गरीब लोग को करता हूँ बोला था उसको भी देख के ऐसा तुम लोग को भी लगा गया। तुम्हारा नंबर कब आएगा? कब तुम्हें लगा नहीं, छोड़ देना चाहिए, इतने चोर पकड़ा रहे हैं। ये बोलता था सर मैं इनको घर चलाता हूँ, ये करके इसका पूरे घर चलाता, तीन लोग घर चलाते हो, ये कॉर्पोरेट टाइप का एंटरप्रेन्योर है। अरे यार अच्छा है तुमने अपने एंटरप्रेन्योर में और मेंबर नहीं जोड़े, ये तो पुलिस को जो एफी तैफी कर देते तुम लोग। लोग मोबाइल लोग रास्ता बताना बंद कर देते, लोग ऊपर का जेब हटा लेते नीचे की जेब में डालते भी। वैसे ये भी एक सीख है कि अपनी मोबाइल बचाना है तो नीचे रखना है, नीचे दूसरों से संबंध है लोगों का और भी है। वो महिला का सुबह 6 बजे बुलाते हो क्या सर? सुबह 6 बजे महिला वो गई थी मानी मांग रही थी, अरे तो भाई तो महिलाओं का ये भी नोच लिए मानी मांग वाले का, कान भी काट डाले क्या तुम लोग? कौन लोग? टाइगर लायन कौन है? अभी तुम लोग सब चूहे बन जाओगे रैट, ठीक है? टाइगर और लायन जो कर रहे हो ना, बताओ बेचारी महिला का कान कितनी बेदर्दी से नोचा हुआ है तुम लोगों ने। नहीं सर इसको घर से लाते हैं। कोई ग्लानी नाम की भी चीज नहीं है यार। और ये कौन कौन से एरिया में करते सर? कहां का पता? ये पूरा उधर अमले तो बता दी ना सर, धमतरी वकारा बता तो सर पढ़े ना, अमलेश्वर बाड़ा रहने जाए तो वकारा अभनपुर धमतरी गरिया और पाटन और सिंगा अभनपुर पता है नहीं बताएगा बताओ यार। पाटन में गए थे सर और पाटन में 3-4 बार किए थे सर, और गरियाबंद राजीव में और बखारा में सर, और इधर वो सिंगा बस सर। सिंगा चारों पुणे तो हो गए तीनों। और कहां जाने का प्लान किए थे? अंतरराज्य नहीं सोचे कहीं देश भर में घूम के करते हैं नाम रोशन? नहीं बताएगा सर, यहाँ क्यों नहीं करते थे, बाहर क्यों करते थे? हाँ यहाँ क्यों नहीं करते थे सर? पकड़े जाएंगे करके नहीं करते थे सर, मतलब उधर खराब नहीं करेंगे माहौल को करके सर। किधर? अमलेश्वर। अपने घर में नहीं करते थे घर के आस पास? नहीं एक को किया था सर, वन प्लस मोबाइल को इसके साथ जो गया था उसमें इसी वाले में लोग मोबाइल से ट्रैप हो गए। देखो यार कितना भी चोर साथी रहेगा ना पुलिस के हाथ तो लगेगा ही, जेल में सेवा लेनी ही पड़ेगी। तुम तो एक बार सेवा लेके आए हो, दोबारा सेवाएं तुमको आवश्यक पड़ गई। ये अच्छा एक बार रायपुर जेल रहा, एक बार दुर्ग जेल जाएगा, अगली बार मत आना, ये तो पूछूंगा रायपुर जेल के और दुर्ग जेल में कौन सा अच्छा है। करते ही होंगे यार, बताएंगे क्या करते हैं। नहीं नहीं तो सबसे ज्यादा नशा कौन करता है? लंदन? हाँ नशा नहीं करते आप? क्या करते हो? गांजा लेते हो? गांजा कहाँ से मिलता है? हाँ शहर सिटी में। कहाँ पे? कौन कौन सा? बुरा तालाब काली बाड़ी। हाँ बुरा तालाब काली बाड़ी। और हाँ लाखे कितने बजे तक मिलता है? 24 घंटा मिलता है, इतना दूध नहीं मिलेगा, बच्चा मर जाएगा दूध में, रात में दूध ढूंढना पड़े तो। गांजा देखो 24 घंटे 24 घंटे पीने वाले लोग होते हैं, खोल के रखते हैं 24 घंटे वो लोग, खटखटाना पड़ता है। आप कितने बजे लेते हो जाके? दिन में लेता हूँ। दिन में लेते हो? एक दिन में कितना दे देते हो? दो तीन पुड़िया देते होगे। कितने का पड़ता है? एक पुड़िया 100 रुपये डेली देते हो, महीने का 3000 गांजा ही पी जाते हो लोग। सर अपने लिए भी लेते सर, कभी अपने लिए बहुत कम लेता हूँ, 2-4 बार लेता हूँ। जनता के लिए लेते हो तो दोस्तों के लिए? कौन दोस्त है तुम्हारे लेने वाले? मोहल्ले वालों का भांचा, वही गुरु है ना इनका, भांचा को पकड़ा नहीं आप लोगों ने, वो कहानी बताता आपको, गुरु है इनका, इनके लिए गांजा लेके पहुंचते हैं ये लोग, गांजा पेश होता है बॉस के सामने नजराना। बेचते भी हो तुम? अरे भांचा देखो चोरी के साथ क्या कर रहे हो भाई, वो गांजा का भी काम शुरू कर दिया है उसने जाके भांचा। साल पहले बेचता था सर। अरे यार तुम्हारा दोस्त ही बता रहा है। इतना डराते हो यार तुम, भांचा के लिए बहुत डेडिकेटेड है ये। देखो ये है ये है भांचा का ज्यादा साथ दे रहा है।
नहीं सर, मैं भांचा को ना उसमें उन लोग गए थे ना सर, अभी अंदर उन लोग साथ में, तो साथ में गए थे। हाँ अंदर साथ में गए थे ना सर, थोड़ा मेरा नाम ले दिए थे फालतू में सर, की सागर भी ऐसे करके सर, तो उसको मारा भी था सर। कौन? मैं सर। भांचा को और इसको मारा था सर मेरा फालतू। दादा नहीं सर, क्या कोई छुरी नहीं रखता सर? हाँ तो गांजा लेते हो, और क्या लेते हो बेटा? हाँ बीड़ी सिगरेट दारू दारू लेते हैं, बियर बियर पीते हो, वो तो पानी है। 5% क्या है? तो गोली गोली स्मैक महंगा है। अरे कुछ ज्यादा चोरी, ज्यादा चोरी करता था लेता है स्मैक, और कोकेन भी सही है, जैसा कमाई उस हिसाब से लेकिन भविष्य में आ जाता है। बाइक कौन खरीदा? तुम खरीदे? ये खरीदा। आपके यहाँ बाइक? पापा का बाइक शिफ्ट करी। आपके पास बेटा? नहीं सर। ये बेरोजगारी भत्ता लेना शुरू किया हो? नहीं किया हो? रोजगार है नहीं है? पढ़ाई कहाँ तक की है? 9 तक है तो मिल जाएगा इन लोगों को। 12वीं तक है, 12वीं के बाद भी। ऐसा क्या? तो भत्ता वत्ता भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को? तुम इसी काम में लगे होगे तुम लोग, मुझे लगता है। निकल के क्या करोगे बेटा तुम? सर मैं कोई दुकान खोलूंगा सर, मैं बहुत टाइम से बोल रहा था सर। क्या मोबाइल का दुकान खोलेंगे सर? मोबाइल का सेकंड हैंड का कि फर्स्ट हैंड का? नहीं दुकान खोलूंगा सर। सेकंड हैंड मोबाइल का क्या दुकान खोलेगा सर? ठेला वेला डालूंगा करके ना, मैं वो कढ़ाई वढ़ाई गैस वैस सब ले लिया था सर, किचन की सामग्री पूरी चोरी कर ली। तुम बेटा क्या करोगे? गाड़ी चलाना आता है? हाँ किस मार्केट में? टाइल्स मार्केट में। तुम बेटा क्या करोगे छूटने के बाद? सीधा तो समझे, रास्ता तो सारा सीधा ही होता है। काम क्या करोगे तो बताओ? कुछ आता है काम करना? चोरी नहीं करोगे? क्यों भाई, मेरा चेहरा देखने के बाद चोरी करने का इच्छा खत्म हो गया? ऐसा क्यों? ये देखो जेल से निकला उसके बाद भी नहीं सुधरा। नहीं सर इन लोगों को मैं हमेशा मना करता, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हर बार खुद जाता था ले जाता। केवल मजे लेते हो बस। मोबाइल चोरी करके लाएंगे 1,000 इनको दोगे, 3,000 खुद दबाओगे, पूरा सामान चोरी का अपने पास रखोगे और ज्ञान ननक पे लोगे इनको। 1,10,000 की बाइक खरीद लिए तुम, काम धाम कुछ करते नहीं हो, उसका कहाँ से ईएमआई आएगा? करता हूँ सर, मैं मेटल बॉक्स बनाता हूँ सर। मेटल बॉक्स? हाँ। कहाँ पे? वही घर के पास फैक्ट्री है सर, वही मेटल बॉक्स बनाता हूँ सर। कितना मिलता है महीने का? 300 रुपया डेली का मिलता था। 300? तो ये क्या पार्ट टाइम में शुरू किया था? नहीं उसको कभी कभी कर लेते थे सर, महीने में 1-2 बार स्टार्ट होता है। 6 महीने 35 कर दिए भाई, तो महीने में 1-2 कैसे हुआ भाई? नहीं 1-2 और 6 महीने से ज्यादा हो गया सर, 1 साल हो गया होगा सर। एवरेज निकाल अभी बढ़ा दिया सर। और इधर भाई बेचने वालों, खरीदने वालों, खरीदार आगे से काम बंद करना है नहीं करना? बंद कर देंगे सर, तो मुझे गुमराह करके बेचे थे ना, इसका मतलब मान हानि का 12-13 बार लगाओ भाई। 12-13 बार है सर। देखो ये बताएगा, बताओ प्रार्थी पहुंच गया थे इसके पास, ट्रैक करके खुद ले गया मोबाइल। इधर आओ बताओ भाई कैसे होता है, बताओ भाई। फाइंड माय फोन में क्या होता है? आया था कोई ले गया मोबाइल अपना, बिल दिखाया था तो तुम दे दिए थे ना वापस? देखो ये तो अच्छा बंदा है, वापस किया नहीं, दे दिया सर, हल्ला मत कर। गरियाबंद पुलिस को भी 2 मोबाइल दिए। गोरेंदा का था सर, एक वो राजीव, दो लोग आ गए थे। वो कैसे आए वो पता करके? अमलेश्वर थाना क्षेत्र में आज 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आबचारी बालक भी है। इसमें 4 जो है वो चोरी करने वाले थे और 3 जो है मोबाइल खरीदने वाले थे। इनके द्वारा 35 मोबाइल जो है वो पिछले 4-5 महीने में चोरी किया गया था। इनके द्वारा घर में घुस के भी कैश और घरेलू सामान की भी एक बार चोरी की गई थी। ये लगातार बाइक से घुमा करते थे
और एक आदमी जो आगे गाड़ी चलाता था वो रास्ता जानने के नाम पे या कुछ बात करता था, डिस्ट्रैक्ट करता था और पीछे वाला ऊपर वाले पॉकेट से मोबाइल चोरी कर लेता था। इसमें से एक लड़का जो है पहले भी रायपुर में मोबाइल चोरी के केस में जेल जा चुका है, 4 महीने जेल रहने के बाद वो निकला था। दुर्ग पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये लोग पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ में और भी चोरों की जानकारी मिलने की संभावना।